फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजय माय टीचिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेंटीमीटर को इंच में बदलने वाले हैं, यानी कि जो सेंटीमीटर होता है, जैसे कि एक मीटर में आप लोग जानते हैं क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस 100 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इंच में बदलेंगे। 100 सेंटीमीटर हो गया, या फिर 80 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंच में बदलेंगे। यानी कि चाहे जितना भी संख्या हो, चाहे जितना भी सेंटीमीटर हो, उसको अगर हमें इंच में बदलना हो तो किस तरीके से इसको हम बदलते हैं, क्या उसका तरीका है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत ही समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सेंटीमीटर जितना भी होगा उसको इंच में बदलना सीख जाएंगे, जो भी तरीका होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दोस्तों वीडियो अपने शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान देखिए दोस्तों, इस सेंटीमीटर को इंच में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो एक इंच होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक इंच बराबर दोस्तों, मैं बता दूं आपको क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर को शॉर्ट कट में यानी कि छोटे फॉर्म में cm से लिखते हैं। तो हमें ये पहले ये हमें पता हो गया कि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को इंच में बदलने के लिए क्या करना होता है, तो सिंपल से समझिए, इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक सेंटीमीटर बराबर 1/2 इंच लिख लेते हैं। इसको मैंने कैसे लिखा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैंने इसको एक सेंटीमीटर बराबर 1/2 लिख दिया। कैसे, ध्यान से देखिए। देखो, हम जो एक इंच हमारे पास है, इस एक इंच को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2.54 × 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम किसी संख्या का एक में गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है, इसलिए हम इसको इस तरीके से अलग लिख लेते हैं। तो हमने 1 सेंटीमीटर को रहने दिया और जब 2.54 था बराबर के इस बार भेजा, जब कोई भी संख्या बराबर से बराबर के दूसरे बराबर की तरफ जाता है तो क्या करता है, वो बटे में चला जाता है, कि इसीलिए क्या आया, 1/2 इंच हो गया। इस तरीके से हमने इसको बदला है। तो इस तरीके से हम बदले हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 सेंटीमीटर में हमें पता चल गया कि 1/2 इंच होता है। तो हमें क्या करना है, 100 सेंटीमीटर को इंच में बदलना है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से देखिए, 1 सेंटीमीटर में 1/2 इंच, तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, जो ये एक है ना, यही एक यहाँ पर लिखा गया है, समझिए, 1 सेंटीमीटर जो है ये ना, इसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो हमारे पास यहाँ 100 सेंटीमीटर बताना है, तो क्या यहाँ पर लिखा जाएगा, इसके जगह पर 100 लिखा जाएगा, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 2.54 इंच, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, 100 में 2.54 से भाग देना है। तो भाग देने में दोस्तों बहुत ही, देखो इसमें लंबा जाएगा, बहुत ही परेशानी होगी, इसलिए मैं इसको मोबाइल में कैलकुलेटर में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप वहाँ पर देख लीजिए। जब इसका भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 39.37, और बहुत छोटी छोटी संख्या आएंगी, तो इतना मैं सिर्फ 2 अंक तक लेता हूँ दशमलव के, तो क्या होगा, 39.37 इंच हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, बदल दिया। उसके बाद अगर मैं 80 सेंटीमीटर का चेंज करना हो तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, 80 सेंटीमीटर बराबर 80/2.54 इंच करेंगे, क्योंकि इसी यही फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है बदलने का, सेंटीमीटर को इंच में बदलने का क्या है, ये फार्मूला है कि एक सेंटीमीटर बराबर 1/2, यानी कि जितना भी सेंटीमीटर को हमें चेंज करना हो इंच में, तो क्या करेंगे, सिर्फ सीधे सीधे उसके नीचे क्या करेंगे, 2.54 से भाग दे देंगे। जब इसमें भाग देंगे 80 सेंटीमीटर में 2.54 से, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 31.49 इंच हो जाएगा। इस तरीके से हम छोटी छोटी संख्या जितना भी हो, हमारे पास अब 150 बचा है, तो 150 को अगर हमें डिवाइड करना है, 150 सेंटीमीटर को अगर हमें चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 150/2.54 इंच हो जाएगा। तो जब भाग देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास, 59.05 इंच हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, इंच को सेंटीमीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर को इंच में बदला जाता है। जो मैंने यहाँ पर तरीका बताया, ये हमारे पास फार्मूला है, और बाकी जो मैंने तरीका बताया, तो आई होप आपको ये जो जानकारी चाहिए था आपको इस वीडियो में ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में।